हो गया फोटो शूट। चलो ओएम से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, करें स्टार्ट। हम लोगों ने जो है कुछ अभी पढ़ लिया था ना, अब हम लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। राधे राधे जी, गुड आफ्टरनून, रोहिणी, शिवाजी, मनीष। चलो जी क्वेश्चन करेंगे जी, फटाफट बताएंगे क्या कहना चाहोगे इस क्वेश्चन में, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, है? क्या पता है आप लोगों को तो, है ना, देखना एक बार तो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द अगोस्टिक इंटरेक्शन, खुद ही लिख रखा है, ठीक है। इरिडियम कार्बन हाइड्रोजन इरिडियम ऑब्जर्व्ड इन इरिडियम PPH3 का होल थ्राइस Cl, अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा, है ना। आपसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछे जाती है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ कोमल जी बिल्कुल सही कह रहे हो, एमसी का क्वेश्चन है ये, है ना। CSIR नेट जून 2015 के अंदर, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। देखो इरिडियम था, पी था, अब जरा बोर्ड पे देखेंगे, बोलेंगे नहीं, देखना यहाँ पे PH2 था, अरे देखो तो PPH3 का होल ट्वाइस, बोलना नहीं है, सुनेंगे, है ना। ये इरिडियम के साथ में क्या कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इंटरेक्शन दिखा रहा है। अब देखो ये इंटरेक्शन जो हो रहा है इसको बोलते हैं अगोस्टिक इंटरेक्शन। अगोस्टिक इंटरेक्शन में क्या क्या बताया था आपको, कह रहा है अपफील्ड शिफ्ट ऑफ CH प्रोटॉन इन 1H1NMR। आपके पास में अगर TMS है, है ना, ऐसे हम लोग अगर कोई भी वैल्यू पकड़े तो उससे अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं ना तो ये डाउनसील्ड कहलाता है, ठीक है, और अगर राइट साइड जाते हैं तो ये अपसील्ड कहलाता है, अपसील्ड कहलाएगा। अब एक बात बताओ, जब इस प्रोटॉन ने इरिडियम के साथ में इंटरेक्ट नहीं किया था तो तब तक ये कैसा था, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर स्पेक्ट्रा दे रहा होगा। जैसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया तो मेटल के बगल में आया, और जब मेटल के बगल में आएगा तो क्या होगा, स्पेक्ट्रा कम वैल्यू पे आने लग जाएगा, तो किधर खिसका, अपसील्ड की तरफ चला गया। इसका मतलब क्या होगा, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, है ना, पहली स्टेटमेंट सही है। अगले में क्या कह रहे हैं, इंक्रीज्ड एसिडिक करेक्टर ऑफ CH बॉन्ड, क्या एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, आपको बताया था एसिडिक करेक्टर ऑफ, जब भी एगोस्टिक इंटरेक्शन होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अगला क्या बताया था, देखो ये कह रहा है कि न्यू CO जो है ना इन IR स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू हायर वेव नंबर, नहीं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाता है ना, अगर इधर से इसने बॉन्ड बना रखा था कार्बन के साथ और इरिडियम के साथ बनाना स्टार्ट किया तो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, ये तो कह रहा हायर वैल्यू पे जाएगा, गलत हो गया। इसका मतलब क्या निकल के आया आपके सामने, ए और बी बिल्कुल सही जवाब, तो आपका सही जवाब कौन सा हुआ, सी, शिवाजी का जवाब सही है, गन्नू निर्मल शर्मा का जवाब बिल्कुल सही, ठीक है, नवल गलत कर दिया जी, ठीक है, आएगी नहीं आई बात समझ में, बताओ देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट निकालो, क्लोजो, नीटो, अरकनो, अरे निकालना है, कॉपी पे पेन चलाएंगे तभी निकलेंगे। क्लोजो, नीडो, अरेक्नो निकालेंगे फटाफट। अजी बोलो, पक्का सोनी कर देंगे, हाँ बिल्कुल शिवाजी, गुड आफ्टरनून जी, आयुषी भाई चंद्रा बोलो, नहीं कर रखा, देखो ध्यान से सुनना, पहला कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, रूथीनियम का ग्रुप नंबर कितना, 8, कितने रूथीनियम है, 6,
कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट 4, सीओ का काउंट 2 कितने हैं 17, तो कितना बन गया 48 प्लस 4 कितना होगा 52 प्लस 34 86 आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 86 आ गया तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने, n प्लस एक्स इज इक्वल टू टीवी माइनस 12n डिवाइडेड बाई 2। बोलो यार, अब यहां पे n नंबर ऑफ मेटल आयन कितने हैं, रुथीनियम कितने 6, प्लस एक्स टीवी 86 माइनस 12 इंटू एन क्या है नंबर ऑफ मेटल आयन 6 डिवाइड बाई 2, 86 माइनस 72 कितना आया 14 बाई 2 कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, x के क्रॉसपोंडिंग 1 आता है तो क्लोजो होता है, 2 आता है तो नीडो होता है, 3 आता है तो रेगनो होता है। बोलो यार, है ना, ऐसे इसका निकाल लो। ओस्मियम का ग्रुप नंबर 8 कितने 5, कार्बन का काउंट कितना 4, सीओ का काउंट कितना 2, कितने सीओ 15, है ना 74 आ गया, 74 आ चुका है जी, निकाल डालो जल्दी से इसका आंसर भी। फिर से n नंबर ऑफ मेटल आयन कितने 5 प्लस x इज इक्वल टू आपका 74 माइनस 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 74 माइनस 60 14 बाई 2 कितना 7, है ना, तो फिर से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 2 के क्रॉसबॉन्डिंग कैसा होता है नीडो, इतनी देर लगानी है आपको क्या, अच्छा बी वाला सही है, चलो बहुत बढ़िया, है ना, इतना ही देर लगानी, इससे ज्यादा देर लगानी ही नहीं है किसी भी कीमत पे, है ना। अगला देखो, रूथीनियम का ग्रुप नंबर 8 है ना, कार्बन का काउंट कितना 4, सीओ का काउंट कितना 2, कितने सीओ हैं 16, यहाँ पे कुछ दे भी रखा है 6 5 5 रिस्पेक्टिवली, है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस भी बता रखे हैं कंप्लेक्स में, है ना, ताकि उससे भी आप आइडिया लगा पाओ कुछ। तो यहाँ पे देखना इसका काउंट कितना है टोटल 76 आ गया क्या, अरे 74 आ रहा होगा, अरे नहीं 74 ही आएगा, चलो कोई नहीं, कितना आया 76, ठीक है, तो कितना हो जाएगा n प्लस x, जर्नली आपका कितना होता है 74 ही होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल आ रहा है, ठीक है। देखना यहाँ पे n कितना आया आपका 5 प्लस x इज इक्वल टू 76 माइनस 12 इंटू कितना 5 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ 76 माइनस 60 16 बाई 2 कितना हुआ 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 5 3, 3 के क्रॉसपोंडिंग क्या, अरे कनु बोलो, देखो कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है क्लोजो नीडो अरेकनो, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सही जवाब है जी, बहुत सारे लोगों का, बहुत बढ़िया रोहिणी, आयुषी भाई चंद्रा, शिवाजी, बहुत बढ़िया। अगला बताएंगे जी, अरे ऐसे तो ना देखो, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, चलो फिर भी देख लो, है ना, तीनों में से बता दो, है ना, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तो आपको AR लेना है, तो R कौन सा वाला ले जिसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन की रेट सबसे ज्यादा होगी, अरे रेट का क्वेश्चन लिखवाया था, बताओ इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए ना, देखो आपको बताया था ना कि CH2 CH3 है, जितना ज्यादा अनायनिक होगा रेट उतनी ज्यादा होती थी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, अरे याद करो, है ना, तो देखो एक बार तो आपके पास में CH3 है, दूसरे टाइम पे CH2PH है, पीएच तो माइनस आई लगाएगा CH2 के ऊपर, और यहाँ पे तो पूरा ग्रुप ही है COPH, तो सबसे ज्यादा रेट CH3 में आएंगे, फिर CH2PH में आएंगे, और सबसे कम किस में हो जाएंगे आपकी R, जब आपका क्या रहा होगा CH2COPH रहा होगा। बोलो यस, आएगी नहीं आई बात समझ में, बता दोगे ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा क्या रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, अरे लिखवा रखा है, देखो एक बार अच्छे से। अगला देखो, इनमें से कह रहा है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवाओगे ना तो सबसे कम कौन सा वाला बनेगा, किसकी बनने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है,
यस ओके शिवाजी, कौन से वाले की रेट, बनने की रेट सबसे कम है, मतलब पॉसिबिलिटी सबसे कम है? सी वाले की बनने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है ना। अरे वाह, मतलब कॉपी पे पेन चलाते नहीं हो, ऐसे सी सी करने लग जाते हो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, PH4 की सबसे कम है। वाह तू तो और भी खतरनाक है। अरे अरे देखो एक बात बताओ, इस कॉम्प्लेक्स में ये आपको DPPM लिगेंड दे रखा है, अरे इसको तो पता होगा डाई फिनाइल फोसफिनो मीथेन गिवन है, और ये कैसा है, न्यूट्रल है। अब इस कॉम्प्लेक्स में दो ही तो अनायन बचे, अगर दो ही अनायन बचे तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2। अब एक बात बताओ, जब मैंने आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन वर्सेस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, तो आपको क्या बोला था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, जब लोअर पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो फॉर्मल चार्ज कम होगा, और ऐसे केसेस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा फेवर्ड होती है। जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होंगी तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मोर फेवर्ड होती है, ऐसा ही बोला था क्या, है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन से वाले की फेवरेबिलिटी ज्यादा है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बीटा हाइड्राइड और हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा पॉसिबल है, क्या यही बात थी? तो एक बात बताओ, क्या इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां से क्या निकले, CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसके बनने की पॉसिबिलिटी है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन क्या उठेगा, अब यहां से करवा दो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर यहां से आपने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई तो आपका DPPM लाइगेंड एज इट इज पड़ा हुआ था। अब मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गया, यहां पे आपका CH3 आया और एल्कीन बाहर निकल गई, चेक करो CH3 ये मेटल के पास गया, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आई, तो एल्कीन बनी कि नहीं बनी? एक तो एल्कीन बन गई और दूसरा आपका क्या बन गया, HCH3 बन गया। अजी बोलो समझ में आया? अब यहां से क्या होगा, CH4 टूट सकता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन से CH4 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब CH4 बनने की भी पॉसिबिलिटी है। अरे बोलो समझ में आया? अब अगली कहानी को सुनिएगा, अगली कहानी में क्या होगा कि मान लीजिए आपने यहां पे क्या करवाया, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई ये वाली, है ना। अब ये एल्कीन जो बनी है ना, अगर ये एल्कीन मेटल सेंटर पे ऊपर आके अप्रोच कर ले, है ना, तो कैसा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, DPPM, यहां पे कौन था, मेटल, इसके ऊपर था हाइड्रोजन, था CH3, और डबल बॉन्ड से आके एल्कीन ने कोऑर्डिनेट कर लिया। बोलो जी, अब यहां से माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर हाइड्रोजन माइग्रेट होता है तो कोई नई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि उसके टूटने से ही, तो अगर ये माइग्रेट कर जाए हाइड्रोजन तो यही बन जाएगा। लेकिन क्या मिथाइल माइग्रेट कर सकता है? यस, अगर मिथाइल माइग्रेट कर सकता है तो DPPM लाइगेंड कैसा, बल्कि अगर बल्कि है तो ऐसे केसेस में, सॉरी ये वाला जो है आपका, इस वाले मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, ये बल्कि कह रहे हैं हम लोग। देखो यहां पे जनरली PT आएगा, और PT आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और जब स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो इसके ऊपर हिंड्रेंस होगी नहीं। अरे बोलो, स्फेरिक हिंड्रेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो कौन सी वाली साइड से जुड़ेगा, हिंडर्ड साइड से। जब हिंडर्ड साइड से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, DPPM, यहां पे कौन आएगा, मेटल आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और देखो इस वाली पोजीशन पे अगर ये माइग्रेट करता है यहां पे हाइड्रोजन, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अरे बोलो यहां पे कौन आ गया, मिथाइल, है ना। अब यहां से आप क्या करवा दो, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी तो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी? अरे बन गई ना, फिर से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, तो फिर से क्या हो गया, एलिमिनेट होने की पॉसिबिलिटी बन गई, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास में क्या है कि
आपके पास में दूसरी पॉसिबिलिटी है कि किसी टाइम पे अगर मान लीजिए CH3 इस वाली पोजीशन पे माइग्रेट कर जाए, तो देखो यहां पे क्या होगा, DPPM यहां पे मेटल, यहां पे था हाइड्रोजन। अगर ये CH3 हिंडर्ड साइट पे माइग्रेट करता तो यहां पे लेस हिंडर्ड साइट से लगता तो मिथाइल था, मिथाइल आता और फिर आप रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते तो ये बन सकता था। अजी बोल लो, बन सकता है नहीं बन सकता है? इसका मतलब प्रोडक्ट तो सारे के सारे ही क्या हैं, पॉसिबल हैं, लेकिन देखो इनमें से सबसे कम पॉसिबिलिटी किसकी निकली? अरे नहीं, उसकी तो बहुत ज्यादा है, एक ही निकलने की तो बहुत ज्यादा है, शिफ्टिंग होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब देखो एक बात सोचो, यहां से ये फिर से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है और ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि वो एक बार बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन कर चुका होगा ना, तो हाइड्रोजन किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड तोड़ सकता है, तो फिर से यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। उसके कंपैरिजन में जैसे ही अटैक होगा ना, तो यहां से आपका क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होने की रेट सबसे ज्यादा हो गई। सोचो थोड़ा सा, ये मैकेनिज्म है ओएमसी की, है ना, तो तगड़ा क्वेश्चन आया था, तो कौन सा वाला सही जवाब होगा? सी, इसके भी बनने की पॉसिबिलिटी होगी, सबसे कम कौन सा बनेगा? सी वाला। समझ गए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब मोस्टली लोग जिनको बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी होती है, ठीक है, अगला नेक्स्ट, ये तो बता ही दोगे। खत्म स्वाहा। अरे ये तो आसान है, मेटल के साथ में एल्काइन आगे जुड़ा, तो बताओ क्या किया एल्काइन ने? पहले लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, तो देखो लिगेंड के पाई से मेटल के साथ में सिग्मा बनाया, फिर मेटल ने क्या किया, पाई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी स्टार्ट की और इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई। अरे बोलो, आएगा नहीं आया समझ में? डी आंसर बहुत आसान, पाई से किस में गई, पाई स्टार में, दैट्स इट, खत्म, आगे। अजी देखो कितना आसान क्वेश्चन, बताओ मेटल मेटल बॉन्ड, अरे बॉन्ड ऑर्डर तो पूछा, अब देखने से तो नहीं निकलेगा, कॉपी पे पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे थोड़ी ना बता देगा, देख लो आ जाएगा, कॉपी पे पेन चलाओ फटाफट, इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो जल्दी से, अरे परेशान नहीं होते, कॉपी पेन चलाओ। यस बिल्कुल शिवाजी, यू आर राइट, शिवाजी हमेशा सही जवाब देता है। सुधा सरदार गुड आफ्टरनून जी, अरे बोलो, निकाल लिया होगा, बताओ टंगस्टन का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है ग्रुप नंबर? अरे बोल दो, 6 होता है ना, कितने टंगस्टन है, होल्ट वाइज है 2, इसकी एप्टिसिटी 5 गिवन है, कितने हैं 2, म्यू सीएल का काउंट कितना होता है 3, कितने हैं 2, सीओ का काउंट कितना होता है 2, कितने सीओ हैं, देखो 2 तो ये रहे और एक होल्ट वाइस वाला, टोटल 4 हो गए ना, तो टोटल कितना बना आपका, 36 बन गया क्या, बहुत बढ़िया है ना, 12 + 10 22 + 6 28 + 8 36 है ना। तो मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, 18n - TVE/2 18 × n क्या था, नंबर ऑफ मेटल आयन, 2 ही टंगस्टन थे, -36/2 कितना आ गया, 0 है क्या ऑप्शन में, डी सही जवाब, कुछ था ही नहीं, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस शिवाजी यू आर राइट, रोहिणी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे बताओ जल्दी से, मेन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? पहले तो ये चेक करो कौन सी रिएक्शन है। हाँ जो आज करवाई थी, वाह, आज कौन सी करवाई थी? सब्स्टिट्यूशन है, हमें अच्छा लगा सुन के। आज तो हम लोगों ने पढ़ी ही नहीं, दो दिन पहले पढ़ी थी। अरे बोलो, आकाश तेरी गलती नहीं है, बस तू देख ले, चार्ली बताएगी। पता नहीं, ये थोड़ी ना होता है, हैं? हाँ दीपांशु क्या आया? कॉम्प्लेक्स बनाओ सबसे पहले, मजा तो तभी आएगा। देखो क्या था, आयरन, आयरन के ऊपर क्या लगा हुआ है? सीपी। अरे बोलो, इसके ऊपर कौन है? दो सीओ हैं और एक कौन है? CH3 है। अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा? बहुत बढ़िया भाई शिवाजी, है ना, मजा ही आ गया जी, है ना। काउंट कितना? 5। आयरन का काउंट कितना? 8। सीओ का काउंट कितना? 2। कितने? 2। और CH3 का काउंट 1। तो टोटल कितना हो गया? 18। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली PPH3 सरफेस के ऊपर आगे चिपक नहीं सकता है। अरे बोलो, है ना। अब यहां से क्या देखने को मिलेगा? देखो C BO है, कह रहा है इसकी रिएक्शन PPH3 के साथ करवा रहे, है ना। तो यहां से माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? मेन इंटरमीडिएट पूछा है। CH3 यहां से चलेगा इसके ऊपर, माइग्रेटिंग लाइगेंड, इंसर्टिंग लाइगेंड। अरे इतनी बार पढ़ा था, यस, है ना। तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, कुछ ऐसा बनेगा। Fe, इसके ऊपर कौन था? CP, एक CO था। यहां पे C BO और CH3 आ जाएगा। बोलो यार, वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेंसी वाली साइट के ऊपर कौन आ जाएगा? PPH3। बन गया प्रोडक्ट, कुछ था क्या? तो यही तो था इंटरमीडिएट। अरे बोलो इंटरमीडिएट क्या बना? देखो CO CH3, एक CO, एक CP, एक आयरन भी। अजी बोलो, समझ गए? आगे, अरे लिखना थोड़ी ना है, मिल जाएगी। आज लिखो मत, अब लिखो। हाँ बिल्कुल अल्काइल माइग्रेशन, बिल्कुल माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन थी रोहिणी, बहुत बढ़िया। यस शिवाजी, यू आर राइट। वन हो गया पक्का? अरे अरे क्या बोल दिया आपने, देखो अच्छे से। अरे अभी तो किया था जाते जाते, अरे बोला था ना, देखो क्या कह रहा है। हाँ सी हो जाएगा। देखो MN है, 4 CO लगे हुए हैं। अरे बोलो, ये ऐसा ही तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फ्लेक्सोनियल बिहेवियर। क्या कह रहा है? इट शोज फ्लेक्सोनियल बिहेवियर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द वन एच वन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन इट इज द नॉन फ्लेक्सोनियल स्टेट शोज। क्या देखना, ये ऐसा दिखेगा, यहां पे मेटल की तरफ HA, इससे अपोजिट HS, एंटी और सिन। बोलो यार, यहां पे हाइड्रोजन। अगर ये लाइगेंड फ्लेक्सोनियल होगा उस टाइम पे HA ही HS है। अरे बोलो, एंटी तो सिन है। तो ऐसे केसेस में 4 प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा एक जैसा और 1 हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक जैसा, तो सिग्नल कैसे आएंगे? 2 सिग्नल कितनी इंटेंसिटी में आएगा? 4:1 में। अगर 4:1 में आएगा तो 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे आपको, जब ये कैसा रहा होगा? फ्लेक्सोनियल एनवायरनमेंट में रहा होगा। अरे बोलो, अब क्या कह रहा है ये कि ये नॉन फ्लेक्सोनियल एनवायरनमेंट में बताओ कैसे सिग्नल बोलेंगे, नहीं सुनेंगे, है ना। अगर नॉन फ्लेक्सोनियल में जाएगा तो उस टाइम पे एंटी वाले अलग से 2 प्रोटॉन का सिग्नल देंगे और सिन वाले अलग से 2 प्रोटॉन का सिग्नल देंगे। बोलो यार, और इस वाले का सिग्नल अलग से आएगा। तो आपके पास में 3 टाइप के प्रोटॉन हुए ना,
तो कैसा मिलेगा, 2:2:1 इंटेंसिटी के तीन सिग्नल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कौन सा था, नॉन फ्लेक्सोनियल बिहेवियर, मींस जब आपका सिग्मा पाई कंप्लेक्स में इंटरकन्वर्जन नहीं हो रहा है, बोलो है ना। तो कौन सा ऑप्शन हुआ सही, तो इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब सी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ये आपका पहले वाले का था, चले आगे। अरे बोलो अगला, बहुत बढ़िया भाई शिवाजी, रोहिणी सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अजी क्या आ गया, अरे ओहो ये तो आता ही होगा, इसमें भी कॉपी में पेन नहीं चलाओगे ना तो बिल्कुल भाग जाओ क्लास से, किसी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो चलाई दो। हाँ बिल्कुल शिवाजी, एंटी का अलग और सिन का अलग आएगा। क्लोजो आ गया क्या, तब भी क्लोजो बता दिया, सही है सही है। पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो, इसका कितना आएगा, पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स निकालो, इसके कितने आएंगे, 16 आ गए क्या। देखो क्या दे रखा है, C2B5H7 आइसोलोबल एनालॉजी के हिसाब से कार्बन को BH से रिप्लेस करना है, किसमें कन्वर्ट हो गया, BH का होल ट्वाइस B5H7 क्या बन गया, B7H9। अरे बोलो अब क्या करोगे, जितने बोरोन उतने हाइड्रोजन रखेंगे, B7H7 कितने एक्स्ट्रा बचे, दो, तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, क्लोजो, 2 नेगेटिव वाला क्लोजो होता है ना, अब क्लोजो आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते हैं, क्लोजो के लिए क्या होता था, 2n+2, बस सिंपल सी बात, 2n+2। अब नंबर ऑफ बोरोन रख लो इसकी जगह, कितने बोरोन हैं, 7+2, तो 14+2 कितना हो गया, 16, पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया। अरे बोलो आगे चलते हैं जी, यूरेनोसीन बोल रहा है, यूरेनोसीन के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन दे, यूरेनोसीन का पता है क्या, अरे बताया भी था, हाँ नहीं आज नहीं हुआ सर्कल क्लासेस, ठीक है सर्कल क्लासेस डीके आज नहीं हो पाई, ठीक है आज नहीं हो पाई, खेद रहेगा हमें उस चीज का, कल लेंगे क्लास। ये होता है यूरेनियम, ठीक है ये होता है जी यूरेनोसीन, ठीक है। यूरेनोसीन में आपके पास में कौन सा लाइगेंड लगा होता है, कोट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। अब होगा क्या, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एरोमेटिक बनेगा जब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -2। अब अगर इन दोनों के ऊपर -2 आया तो यूरेनियम +4, अजी बोलो तो क्या हुआ, यहां पे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम +4 सही जवाब। It has cyclooctatetrainide ligand, बिल्कुल सही है ना, मतलब उसके ऊपर 2 नेगेटिव है। अगला क्या कह रहा है, It is bent sandwich compound, नहीं linear होगा, It has -2 charge, गलत बात है, कोई चार्ज नहीं होगा, तो कौन सी स्टेटमेंट सही निकली, A के साथ B, A जवाब सही जवाब। अरे यूरेनोसीन की बात कर रहा है, न्यूट्रल है, हाँ खोल की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, होल के ऊपर कैसा, 0 न्यूट्रल, समझ में आई कि नहीं आई। अरे बोलो इसका थोड़ी ना पूछ रहा है कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना, सही है। हाँ जी देखो क्वेश्चन, अरे देखो तो यस शिवाजी यू आर राइट, लीनियर होगा, हाँ मतलब दोनों लाइगेंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सारे के सारे लोग फटाफट, डी होगा क्या, अरे देखो अच्छे से, हाँ डाइमराइज हो जाएगा, वाह
झूठ भी बोलो तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, सच लगे ही। देखना एक बार, देखो क्या कह रहा है। मेटल कार्बोनाइलेट आयन है VCO6 नेगेटिव, इसके ऊपर डाला गया H3PO4 या फिर आप H2SO4 कुछ डालो, बोलो यार। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ भी लेगा, है ना। क्या बन जाएगा, VCO6H। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आ गया, और जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आ गया तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, अनस्टेबल। अब डाया न्यूक्लियर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, पढ़ाया था। डाया न्यूक्लियर रिडक्टिव एलिमिनेशन में H2 बाहर निकलेगा, प्लस क्या बन जाएगा, VCO6। अरे बोलो, यही बताया था ना। दूसरा, अगर इसको किसके ऊपर डाल दिया जाए, कोबाल्ट के ऊपर, CO4 नेगेटिव, तो यहां से प्रोटॉन को पकड़ेगा, और प्रोटॉन पकड़ने के बाद तो स्टेबल है। HCCO4 एसिडिक मीडियम में कहां डाइमराइजेशन है, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, किसमें, HCOCO4 में। अरे बोलो, है ना। तो क्या बना, क्या बना, कुछ बना क्या, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, बिल्कुल सही जवाब शिवाजी, आयुषी और रोहिणी का। देना है, देखो पढ़ाया था तो सही यार, अब की बार पक्का देना है। क्या होगा, क्लोजो कहां से आ गया, इसमें पूछ क्या रहा है, कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या सही है, जवाब देना है पर सही। देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाई RuCO3 फ्रेगमेंट टूवर्ड्स क्लस्टर बॉन्डिंग इज, पोलीहेड्रा बनाने जा रहा है RuCO3, तो उस टाइम पे पोलीहेड्रा फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा RuCO3। अरे मर जाओ, पर मेटल बताया था ना, पर मेटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन काउंट सिखाया था ना। अरे बताया था कि देखो ऐसे रूथीनियम है, अगर इस रूथीनियम के ऊपर 3 CO लगे हुए हैं, ऐसे CO CO, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो CO डोनेट करेगा। रूथीनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो 3 से क्या करेगा, इन तीनों के साथ में 3 पेयर से बैक डोनेशन करेगा। तो आपको क्या सिखाया था, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो आउटर बॉन्डिंग में चले गए। अरे बताया था आउटर बॉन्डिंग के लिए। अब यहां पे बोला था दो टाइप के ऑर्बिटल होंगे, एक SPZ और दो आपके पास में ऐसे वाले रहे होंगे, तो इनको हम लोगों ने बोला था, इसको बोला था रेडियल, और इन दोनों ऑर्बिटल को हम लोगों ने बोला था टेंजेंशियल। याद है कि नहीं है, ऐसी दो यूनिट एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत सारी यूनिट एक दूसरे के साथ कंपाइल होके पोलीहेड्रा का फॉर्मेशन कर रहे थे। अरे बोलो, है ना। अब एक बार बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन तो रूथीनियम ने बैक बॉन्डिंग में यूज कर लिए, अब इसके पास बचे कितने, 2 ही तो बचे, 2 बचे तो 2 ही तो देगा। दूसरे टाइप से कैसे निकालना सिखाया था, आप है ना TVE निकाल लो किसी, जो भी फ्रेगमेंट दे रखी है, और उसमें से 12 माइनस कर देना। 12 कौन से वाले माइनस करने, 12 जो आउटर बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। अरे बोलो, सिखाया था, आपको ध्यान नहीं है। अब बताओ रूथीनियम का काउंट कितना, 8, CO का काउंट कितना, 2, कितने CO, 3, टोटल कितना आया, 14 आ गया ना, 8 + 6 = 14, तो यहां से कितना हुआ, 14 - 12 = 2। अरे सही जवाब तो है 2D। अरे यार क्या CC कर रहा था, D आएगा, है ना, क्या आएगा, D। यस बिल्कुल सही जवाब है, शिवाजी ही फोड़ेगा आपकी बार एग्जाम। कुछ तो बोलो आराम से, देखो चलो कोई नहीं, अब मत बताओ, देखो तो कम से कम। कॉपी पे पेन चलाओ,
कसम खा लिया से दीवार पे पेन चला दूं, कॉपी पे नहीं चलाऊंगे लेकिन, है ना। हाँ शिवम कह दे कुछ तो। अरे समीर बता दे। आकाश तुक्का ही मार दे इनसे सही, तो वो ही मार देगा तू। ये होगा क्या? देखिएगा, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरमीडिएट एंड द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑन फोटोलाइसिस। देखो फोटोलाइसिस की बात कर रहा है ना, और फोटोलाइसिस में हमेशा CO डिसोसिएट होता है। फोटोलाइसिस में हमेशा CO डिसोसिएट होता है, CO को बाहर निकालते हैं। अरे बताया था बहुत बार। तो यहाँ पे देखो तीन CO लगे हुए थे, तो इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन नहीं करवानी थी, CO को बाहर फेंकना था। और जैसे ही CO बाहर जाएगा तो ऐसा बनेगा, देखो दो CO बचे फोटोलाइसिस के बाद। अब देखो ये वाला अलाइली कॉम्प्लेक्स है, क्या इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया? 5। मोलिब्डेनम का 6, CO का काउंट 2, कितने CO? 2। अलाइलिक लाइगेंड का काउंट 1, कितना हो गया? 11+1 12+4 16। 18 में जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो कौन सा एप्टिसिटी इंक्रीज करेगा? अलाइलिक, है ना। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमओ सीपी सीओ सीओ और ये लो। अरे बोल लो, है ना। तो इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट ये ना, कुछ जवाबते रह जाएंगे हम पेपर में जाएंगे तो। देखो एक बार अच्छे से, कौन सा हुआ? बी और डी, है ना, बी हुआ ना। एक सीओ बाहर गया, एक हेप्टिसिटी, बी डी। यस बिल्कुल सही जवाब, बी जवाब। चले आगे, कनेक्ट करना पड़ेगा आपको चीजों को। आपने इंडिपेंडेंट तो पढ़ लिया लेकिन अभी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। 4 से 5 बार कॉपी रिवाइज करनी है, तब जाके तो फ्लुएंसी आएगी सोचने की। तब तक तो सोच में नहीं आएगा, OMC में बता रहा हूं, नहीं पढ़ा तो। बोलो क्या ही बोलोगे, ऐसे छोड़ के निकल लोगे? हाँ बिल्कुल अमित पांडे, यू आर राइट। देन हेप्टिसिटी, बिल्कुल शिवाजी, कमाल ही कर दिया शिवाजी। राघवेंद्रा जी गलत जवाब। सोनी पटेल सही जवाब दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएंगे जी फटाफट। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है ना, बिल्कुल इसमें टेंशन ना लिया करो, ऐसे सोचो क्या कह रहा है ना, लाइन टू लाइन चलो। कह रहा है कॉम्प्लेक्स है Mn2CO10, मुझे पता है स्ट्रक्चर, मैंने बार बार पढ़ा था इसका, ऐसा ही तो होता है CO5 सिंगल बॉन्ड MnCO5, इसमें कोई ब्रीजिंग लाइगेंड होता ही नहीं। अब कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करवा दी I2 के साथ, इसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन Br2 के साथ पढ़ी थी हम लोगों ने, ऑक्सीडेटिव एडिशन बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अरे बोलो यहां से क्या बनेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा? MnCO5 और कौन आ गया? आयोडीन। देखो ये क्या बना? ए क्या हो गया? 2-4। हाँ अरे सुन तो ले यार, ठीक है बता देना बाद में, मेरा सही था ऐसे बोल देना, मैं सोचा पता नहीं क्या बता रहा है, देखना एक बार। ये बना, अब क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड ए बना है ना, अब ए देख लो कौन सा है, यही है सेकेंड वाला, ये ए आ चुका है। अब अगली कहानी पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब ए को क्या कह रहा है, रिजल्ट ए विदाउट लॉस ऑफ CO, मतलब उसमें से कोई CO बाहर नहीं निकला, ठीक है तो वो बना। अब कह रहा है कंपाउंड ए को जब आप हीट कर रहे हो ना 120 टेम्परेचर पे, तो वहां से एक CO लूज हो रहा है, CO लाइगेंड बाहर निकल गया और वो बी दे रहा है। आई बात समझ में? अब कह रहा है Which does not have metal metal bond, उस और जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उस प्रोडक्ट में metal metal bond नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें से आप CO को हटा दो, अगर एक CO को हटा देंगे तो CO4 बचे और आयोडीन बचा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बना तो इसके पास में deficiency आएगी कि नहीं आएगी 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि CO बाहर जा रहा है तो deficiency आएगी। अब देखो अगर इसको अपना इलेक्ट्रॉन काउंट फिर से 18 पूरा करना है, तो
तो यहां पे आयोडीन लगाओ और यहां वैकेंसी बनाओ। अब देखो इस आयोडीन के पास में लोन पेयर है और इस आयोडीन के पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा और म्यू आई बन जाएगा। बोलो यार, ब्रीजिंग हैलाइड अकाउंट तीन होता है तो एक से किसमें कन्वर्ट हो गया, तीन में। अब देखो उसने साफ साफ मना कर रखा है कि इसके अंदर क्या नहीं है, मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है। क्या तो आप अगर हैलाइड को ब्रीजिंग नहीं बनाते ना तो आपको दो डबल बॉन्ड बनाने पड़ते इसमें, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना, टू, तो दो का कितना हो गया, चार, तो चार के लिए दो मेटल मेटल बॉन्ड बनाने पड़ते, उसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। अजी बोलो, इसमें गलती से बना हुआ है ना, इसको हटा देना। कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपका आयोडीन कहाँ रहा है, ये रहा है ना, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड हटा देना, सही है। तो ये आपका कौन सा बनेगा, बी, है ना, ज्यादा दिख रहा था छापने वाले को, है ना। अगला देखिएगा, कह रहे कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद पीरिडीन टू गिव्स टू इक्वेलेंट ऑफ सी। क्या कह रहा है, जब बी के साथ में पीरिडीन ने रिएक्शन की तो दो क्या बनने हैं आपके, इक्वेलेंट बनने सी के, इसका मतलब पक्का मेटल मेटल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टूट रहा है। बोलो यार, अब एक बात बताओ, टूटने का तो एक ही सिस्टम है क्या, ये ब्रिज वाला बॉन्ड टूटे, अरे बोलो ये वाला ब्रिज टूट जाए, जैसे ही ब्रिज टूटेगा तो काउंट दो से कम होगा, और अगर काउंट दो से कम होगा तो पीरिडीन आ गया उसके लिए, अरे बोलो, है ना। तो नाइट्रोजन कुछ इस टाइप से और यहां पे आयोडीन बन गया। अब बताओ कौन सा बना ऐसा, ये रहा फोर्थ, है ना, ये आपका सी। अब बताओ क्या बना आपका, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला, पांचवा और फोर्थ, ए ऑप्शन सही हुआ ना, अरे वो, अरे बोलो। अब बताओ, देखो बड़ा दिखाई दे रहा था लेकिन कितना आसान है कि नहीं है, सब पढ़ रखा आप लोगों ने, बस आप दिमाग नहीं लगा रहे, अरे बोलो, समझ में आई कि नहीं आई, आगे है क्या, बस आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, आगे के क्वेश्चन आगे करेंगे। थैंक यू सो मच ऑनलाइन वालों, आपको भी शायद पसंद आया होगा सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर। आपको अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो क्वांटा केमिस्ट्री क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, 140, ठीक, थैंक यू।